एसएसपी ने प्रवासी लोगों के मेडिकल का लिया जायजा। हल्द्वानी के गोलापार स्थित स्टेडियम में जिला अधिकारी और एसएसपी ने निरीक्षण करते हुए प्रवासी उत्तराखंड के लोगों के मेडिकल चेकअप की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही पिथौरागढ़ जिले के प्रवासी लोगों को मेडिकल चेकअप के साथ उनकी बस को भी रवाना किया गया। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बाहरी राज्यों में फंसे कुमाऊं मंडल के करीब 60,000 लोगों ने वापसी का आवेदन किया है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा मेडिकल चेकअप की रणनीति बनाई गई है कि जो भी प्रवासी कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी से होकर गुजरेंगे उनका मेडिकल चेकअप हल्द्वानी के गोलापार स्थित स्टेडियम में किया जाएगा, जिसके बाद जो मेडिकल फिट प्रवासी होंगे उन्हें उनके घर भेज दिया जाएगा और जिनमें थोड़ा सा भी कोरोना वायरस के संक्रमण दिखे उन्हें उपचार के लिए यहीं रोक दिया जाएगा। जिलाधिकारी संविन बलसन का कहना है कि प्रशासन ने मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ रहने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था, वहीं कानून व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसके लिए एसएसपी ने मौका मुआयना भी किया। हम देहरादून में स्टूडेंट है, देहरादून में रुक गए थे 2 महीने से, फंसे हुए थे, हम पिथौरागढ़ जा रहे अपने घर। अच्छा, क्या करते हो देहरादून? स्टूडेंट है। अच्छा, तो कितने दिन हो गए थे देहरादून में आपको? 2 महीने हो गया था। अच्छा, हाँ। तो अब घर जा रहे हो आप लोग? हाँ जी। क्या व्यवस्था कर रहा है प्रशासन आप लोग के लिए? अच्छी व्यवस्था है, कल से बसेस चालू करी है, बसेस काफी कंफर्टेबल है, काफी अच्छी है, बट ये की थोड़ा सा प्रोसेस लेट चल रहा है। तो घर वालों से बात थी? हाँ, घर वालों से बात हुई थी। क्या कहा घर वालों ने? पापा लोग खुश है कि हाँ बच्ची घर पहुंच जाएगी टाइम से। क्या नाम है? क्या प्रक्रिया है सर? देखिए, स्टेडियम को हमने अपना बेस बनाया है, जहाँ से हम लोग हमारे जो बाहर से आने वाले लोग हैं और यहाँ से पहाड़ों को जाने वाले लोग हैं या पहाड़ों से बाहर जाने वाले लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। यहाँ से चूँकि बाहर से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं और उनकी आगे की जर्नी पहाड़ को होने वाली है, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था ये की है। यहाँ पर उनको रोका जाएगा, मेडिकल किया जाएगा, उनका डाटा बेस तैयार किया जाएगा और उसके बाद में बसों के माध्यम से उनको अपने संबंधित गंतव्य को भेजा जाएगा। ये व्यवस्था हमारी कल से चल रही है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है। उनके खाने पीने की भी व्यवस्था प्रॉपरली की गई है ताकि किसी तरह की आवागमन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सर, कितनी भीड़ होगी करीब, कुछ पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी सर? देखिए, अभी तक रजिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन किए गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, मगर एग्जैक्ट फिगर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि कितने लोग आएंगे, मगर मतलब जो सामान्य प्रथम दृष्टया जो लग रहा है तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे आवागमन करने वाले हैं। ठीक है। हमारे पूरे कुमाऊँ को हल्द्वानी ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स लॉजिस्टिक्स में कैटर कर रहे हैं, तो जिलेवार यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जो हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड इनहेबिटेंट्स आएंगे उनके स्टे अरेंजमेंट्स और उनको हैसल फ्री हम मूव करवा सकें उनके संबंधित जिलों में। इसके साथ ही हमारी परिवहन निगम की एज ऑफ नाउ 90 बसेज रेडी हैं अलॉन्ग विद देयर एसोसिएट अरेंजमेंट्स। मेडिकल टीम्स यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं 24/7 और हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी जिलेवार यहाँ पे तीन सीनियर लेवल ऑफिसर्स 24/7 डिप्लॉय किए गए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन इशू ना हो। हमारे 7-8 डिपार्टमेंट्स इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं और सभी डिपार्टमेंट्स पूरी तत्परता से कमिटेड हैं और ये हम इंश्योर करवाएंगे कि यहाँ से कंटेजियन को हम जितना अरेस्ट कर सकें, पहाड़ में हम जितना प्रिवेंट कर सकें, संदिग्ध केसेस को यहीं पे क्वारंटाइन करवाएं, उनका परीक्षण करवा कर उनको हम फैसिलिटी क्वारंटाइन करवाएंगे और रेस्ट ऑफ दी हमारे टूरिस्ट को, रेस्ट ऑफ दी इनहेबिटेंट्स को होम क्वारंटाइन के लिए रिकमेंड करें। कितने लोग